बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरई बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर कढ़ाई रख दी मैंने अच्छे से वॉश करके। अब इसमें तेल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 3 चम्मच जो है ये साथ खाने के मैंने इसमें तेल काट दिए। जीरा ऐड कर रही हूँ, जीरे के बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं हरी मिर्चों की तरह बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार। कच्चे पका करते हैं। इसमें ज़्यादा थोड़े प्याज हमारी कच्ची पकी हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। ये देखें, तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का फ्रेश लहसुन मैंने अभी मोटा मोटा सा कूट लिया है, क्योंकि लहसुन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन वैसे भी अच्छा होता है ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, तो मैं लहसुन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लहसुन का जो कच्चापन था वो निकल गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, जो अच्छे से छील लिए मैंने। छीलने के बाद मैंने काटे टमाटर को, छील के यूज़ क्या करें, क्योंकि टमाटर के छिलके से जो है वो पतली होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि टमाटर के छिलका जो है वो गलता नहीं है ना, तो मैं उनके टमाटर छील के यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7-8 हरी मिर्च ले ली मैंने, इसी तरह से चॉप कर ली। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद 1 चम्मच, और ये है धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच, नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच, लाल मिर्च मैं बिल्कुल बीच में ऐड नहीं कर रही, सिर्फ हरी मिर्च बस, और हल्दी थोड़ी सी ना, क्योंकि हल्दी तो सर्दी है तो वैसे हल्दी अच्छी होती है, तो हल्दी इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसमें फ्राई ऐड कर देंगे। तो टमाटर देखें आप, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें फ्राई ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे अब हम बंद कर देंगे, तो ये इसका अपने पानी से तुरई बिल्कुल गल जाएगी, बंद जाएगी। तो फिर थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और हरा धनिया के साथ इसको हम साफ कर लेंगे। झटपट हमारी रेसिपी रेडी। चलिए जी, अब हम कैप लगाते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसे कैप कर देती हूँ, और ये अपने पानी में जो है बन जाए, पक जाएगी। तो मैं फिर उसके बाद इसको भूनने के बाद हमारा धनिया से गार्निश करेंगे। तो ये हमारी रेडी। ये देखेंगे तुरई हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं सारा इसी पानी भी इसका निकाला, अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। तुरई बिल्कुल रेडी हमारी। चलिए मिस, ये जो है हमारी तुरई बिल्कुल भून चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें मिस, तुरई हमारी रेडी हो चुकी है, डिश आउट भी हो चुकी है। अब हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चों की तुरई रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी आज की रेसिपी आपको। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, या तो अच्छी सी रेसिपी के साथ या अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।